प्रकृति की गोद में बसा है झारखंड। प्रकृति ने अपना सौंदर्य खुलकर लुटाया है इस राज्य पर। पहाड़ों, झरनों और मिनरल्स की अधिकता वाला राज्य आदिवासी संस्कृति के लिए बहुतेरे जाना जाता है। यहाँ मिट्टी के घरौंदे और बांस के बर्तन दिखेंगे। ये राज्य हस्तकलाकारों का गढ़ है। जिस बांस को बेकार समझा जाता होगा, उस बांस का प्रयोग यहाँ बर्तन बनाने से लेकर सौंदर्यकरण के सामान में लिया जाता है। यहाँ डलिया, सूप, पंखा इत्यादि बांस के सामान बेहद ही खूबसूरती से बनाए जाते हैं। लेकिन आज यह खबर झारखंड के हस्तकलाकारों के बखान के लिए नहीं है। यह खबर उन हस्तकलाकारों की जिंदगी से जुड़ी हुई है, जिनका जीवन यापन बांस की खूबसूरती दर्शाते होता है। वह हस्तकला आज संकट में है। यह खबर आज एक गांव पर केंद्रित होगी, लेकिन यकीन मानिए, राज्य भर के हस्तकलाकारों की दशा ठीक कोयलांचल धनबाद के कलियासोल प्रखंड के पाथरकुआं पंचायत के बरबाड़ी ग्राम की तरह है। गांव में दर्जनों घर बांस से बने वस्तुओं को बनाकर आसपास के क्षेत्रों में बिक्री कर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। राज्य भर में ऐसे कई परिवार हैं। हस्तशिल्प में लगे ज्यादातर पुरुष वे महिलाओं ने बताया कि इस कार्य में बहुत परिश्रम है, और हो भी क्यों ना, परंतु परिश्रम का फल स्वरूप उचित बाजारों में नहीं मिलता। लेकिन जीविका चलाने को लेकर मजबूरन सस्ते दामों पर ही बिक्री करनी पड़ती है। सर्वप्रथम आसपास के गांव में 30 से 40 रुपए देकर बांस की खरीदारी की जाती है। उस बांस को पतले पतले बारीकी छील कर 2 से 4 दिनों तक धूप में सुखाना पड़ता है। उसके बाद तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। इस कार्य में पूरा परिवार लगा रहता है, परंतु मेहनत के अनुरूप बाजारों में इसकी कीमत नहीं मिलती, जिसके कारण आसपास के गांव में खुदरा व्यापार करना पड़ता है, जिस पर भी लागत अनुसार कमाई नहीं होती। आप खुद समझ सकते हैं, जिन बाजारों में चाइनीज सामान की धूम हो, वहां हस्त निर्मित उत्पादों की क्या दशा होगी। तभी राज्य सरकार से इन हस्तशिल्पकारों ने मांग की है कि हम पर ध्यान दें, जिससे इनकी कला को और बल मिलेगा। जब भूख शांत रहती है तो कला का बेहतर प्रयोग हो सकता है। सरकारों को इनकी मदद कर राज्य को नई पहचान दिलानी चाहिए। अगर बात धनबाद के गांव की करें तो गौर किया जा सकता है, रोजमर्रा के ऐसे सामानों की कीमत जहां बाजार में काफी अधिक है, वहीं बारबाड़ी की इन महिलाओं द्वारा इन सामानों को बेहद सस्ते दाम में बेचा जाता है और पैकर इन्हें उचित मूल्य पर बिक्री करते हैं। इनके परिश्रम का फल बड़े उद्योगपति ले जा रहे हैं। सरकार इन हस्तशिल्पकारों पर विशेष ध्यान दे तो आगे अपने कामों को तीव्र गति देने में यह महिलाएं कामयाब होंगी, जिससे रोजगार का सृजन बढ़ेगा और शिल्पकारों को मान सम्मान भी मिलेगा। पहले हम लोग जाते हैं गांव में, बांस लाते हैं खरीद के, बांस में लगता है 40 रुपया 50 रुपया, हम लोग लाते हैं, फिर हम लोग बनाते हैं, पीस करते हैं मतलब, उसके बाद हम लोग ऐसा पत्ती बनाते हैं ऐसा, फिर सूखता है धूप में, 2 दिन लग रहा है, 3 दिन 4 दिन में हम लोग मतलब ये कर रहे हैं सूप। क्या क्या बनाते हैं अभी? सूप जैसे कि बिनी, जैसे कि पंखा बोल रहे ना, पंखा, सूप, और डाली, और खाची, और जैसे कि मुर्गी ढकाते हैं वो सब बनाते हैं, फिर झूड़ी सब। तो दीदी, ये सब सारा बना करके क्या या लोकल बाजार में बेचते हैं या बाहर के खरीदार यहाँ आते हैं? हम लोग जैसे कि लोकल भी जाते हैं मतलब देहात में बेचने के लिए, और जैसे कि पाइकारी भी आ रहा है, जैसे कि रोड साइड में हम लोग का घर है, रोड में भी आदमी आते जाते हैं, हम लोग ले लेता है। अच्छा, ये जो आप परिश्रम करते हैं, क्या इसका बाजार में उचित मूल्य मिल जाता है आप लोग को? नहीं मिलता है हम लोग को, जैसे जितना परेशानी हो रहा है ना, उतना हम लोग को नहीं मिल रहा है। अच्छा, सरकार की ओर से कोई अनुदान, जैसे आपका हथकरघा उद्योग है, जैसे इसमें कुछ कोई सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं दिया है? कुछ भी नहीं है हम लोग को। जैसे दूसरा गांव में देखिए, क्लब बनाया हुआ है सरकार से, जो हम लोग को जैसे कि बरसात हो रहा है, जो धूप हो रहा है, हम लोग को रोड के किनारे में पेड़ भी नहीं है, जैसे कि हम लोग छाव में काम करेंगे, कुछ भी मतलब साधन नहीं है
दूसरा गांव में है, दूसरा ही में है, देख रहे हैं, लेकिन हम लोग का यहाँ नहीं है। मांग करना चाहते हैं ऐसी, जैसे हम लोग को काम करेंगे हम लोग तो कहाँ बैठ के हम लोग काम करेंगे। जैसे कि धूप में चल जाता है, बरसात के टाइम में तो नहीं, जैसे कि हम लोग का यही है सब कुछ। अगर हम लोग एक दिन नहीं मतलब काम करेंगे तो हम लोग का हड़ी बंद हो जाएगा। तो आप लोग कितना परिवार इसमें लगे हुए हैं? टोटल हम लोग को जितना ही है गांव है, गांव के सभी लोग लगे हुए हैं। सभी लोग बेरोजगारी से है परेशान तो इजी कैश पॉइंट करेगा समाधान। इजी कैश पॉइंट मौका दे रहा है बहुत ही कम खर्च में CSP यानी ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का मौका। CSP ID लेकर आप अब ग्राहकों को दे पाएंगे अनेकों सुविधा। आधार कार्ड से सभी बैंकों की निकासी की सुविधा, बैलेंस चेक करने से लेकर मनी ट्रांसफर सेवा द्वारा किसी भी बैंक में पैसा भेजने की सुविधा। इतना ही नहीं, बैंकिंग सुविधा के अलावा सभी कंपनियों के मोबाइल DTH रिचार्ज करने पर 3-4% कमीशन, पैन कार्ड बनाने की सुविधा के साथ साथ बिजली बिल जमा करने की सुविधा एवं स्वाइप मशीन द्वारा सभी बैंकों के ATM कार्ड से निकासी की सुविधा, इसके अलावा बहुत कुछ। तो तुरंत CSP ID लेने के लिए संपर्क करें 9162571443। हमारे बाड़ी है नहीं, हमारा उदवासी लोग ऐसे खाची हमारे घर नहीं, दुआर नहीं, किचु नहीं। এবার আমাদের ইন্দিরা আবাস পাস এখন হয় না, কিছু নাই, শুধু করছে করবো এই হচ্ছে। এই বছর কত পরিচিত আছি ঘরটায়, এত জল ঢুকছে, দিন রাত ঝিঁটছি। কি চাইছো তোমরা? আমরা ঘর চাইছি শুধু, ঘরটা যেমন মজবুত হওয়া চাই, যেমন বাইরে থেকে শুকনোতে যেমন থাকবো।